दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखिए, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। मैंने बताया था कि 75 से आगे एक ऊपर नहीं जाएगा और 70 से नीचे खसके गए रही, जबकि बहुत टीचर लोग उछल उछल के बोल रहे थे कि 68 से ज़्यादा चला गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो उनको पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों के करियर की बात है। हजारों हजारों की भीड़, हजारों हजारों का टेस्ट देने वाले बच्चों के साथ इंसाफ हुआ, और मैं फ़ोन उठाते उठाते एकदम पगला सा गया हूँ, लेकिन ये पगलाहट में भी ज़बरदस्त खुशी है। कोई कुछ भी बोले, यूट्यूबर्स कुछ भी चिल्लाएं, उछले कूदे फाने, लेकिन ये चरितार्थ हो गया है कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान, वर्दी बोले तो गुरु रहमान, और गुरु रहमान का मोच इसकी शांति है और रहेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत हम खुश हैं। अगर बजरंग बली रहते तो सीना चीर के दिखा देते कि कितना खुश है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। दरोगा मेंस का रिजल्ट आ चुका है और ये खुशखबरी मेरे लिए और आपके लिए इससे ज़्यादा गुरु रहमान सर के लिए है, तो हम उन्हीं के पास पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सच में थैंक यू, क्योंकि आज बहुत खुश हूँ मैं। बहुत बार बोलते हैं सच हो जाता है, मतलब कहीं ऊपर से लेटर उटर तो नहीं आता? नहीं, ऊपर से लेटर नहीं आता, बजरंग बली का डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ है, और बजरंग बली कहने के बोल दे मंगरू तो बोल देते, तो हो जाता है। इसलिए सबसे पहले रिजल्ट पे डायरेक्ट मुद्दे, देखिए डायरेक्ट मुद्दा ये है कि जिन लड़कों ने यूट्यूब पर और एक शिक्षक जो सब कुछ पढ़ाता उनसे बच के तैयारी किया और NCERT और टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया, उन लड़कों का रिजल्ट आया। और इस बार 2213 में पहली बार BPSSC के माध्यम से क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, या किसी माध्यम से क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ, और यूनियन एग्जाम हुआ है। हालांकि आंसर शीट इन्होंने नहीं दिया, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आंसर शीट दे दें, तो निश्चित रूप से रिजल्ट उन लड़कों का हुआ है जो पढ़ने वाले हैं। कुछ पढ़ने वाले लड़के किसी कारणवश फेल भी कर गए हैं, कारण उनका टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, कुछ कारण हो सकता है, लेकिन रिजल्ट अच्छा है। और 70 से 75 के बीच मैंने बताया था कि 75 से आगे एक ऊपर नहीं जाएगा और 70 से नीचे खसके गए रही, जबकि बहुत टीचर लोग उछल उछल के बोल रहे थे कि 68 से ज़्यादा चला गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो उनको पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों के करियर की बात है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हजारों हजारों की भीड़, हजारों हजारों का टेस्ट देने वाले बच्चों के साथ इंसाफ हुआ, और मैं फ़ोन उठाते उठाते एकदम पगला सा गया हूँ, लेकिन ये पगलाहट में भी ज़बरदस्त खुशी है। वो तो दिख रहा था कि हम भी आपको फ़ोन कर रहे थे लगातार। हाँ, तो बहुत खुशी हो रही है ना, बहुत खुशी हो रही है। अगर फ़ोन मोहब्बत वाला है, सफलता वाला है, तो मैं दिन भर रात भर उसमें लगा रहूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बजरंग बली को मैंने सबसे पहले दर्शन किया, चरण छुआ, उनके सरस्वती का आशीर्वाद लिया, और तब जब फ़ोन उठाना शुरू किया तो पता चला गुरुजी हो गया। और मैंने सबसे पहले पूछा कि कटअप बताओ, तो कटअप 74.9 मांगी। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद है कि मैंने बोला था 75 और ये 74.9 गया, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा हुआ। तो सब कैटेगरी के लिए अलग अलग, सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग गया है, और सब कैटेगरी का लगभग जो जो मैंने बताया था वही गया है। अब लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि अभी एक महीना का समय है, एक महीना और 12 दिन में रिजल्ट दे दिया है BPSSC ने। इस पर किसी भी तरह का नानुकुर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैनुअल चेकिंग नहीं है और कंप्यूटर के माध्यम चेकिंग है। 40वां BPSC में लड़के परीक्षा दे के लौटे कि रिजल्ट एक दिन में आ गया था। आपको फोन आ रहा होगा तो लगातार जम के फोन आ रहा है कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से नहीं, पढ़ाई के आशीर्वाद से हुआ है। मैं तो तुम लोग में आग भरता हूँ, तुम लोगों ने आग को चरितार्थ किया है। तो कैसा रिजल्ट से आप खुश हैं? डेफिनेटली 100% खुश हैं हम रिजल्ट से, 2000% खुश हैं। कोई कुछ भी बोले, यूट्यूबर्स कुछ भी चिल्लाएं, उछले कूदे फाने, लेकिन ये चरितार्थ हो गया है कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान, और गुरु रहमान का मोच इसकी शांति है और रहेगा। BPSC मोज और ऊपर कर देगा निश्चित रूप से। और आपको बता दे पूजा कि BPSC में कम से कम 150 से ज़्यादा बच्चे ऐसे जो परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका फ़ोन आ गया कि गुरुजी मेरा तो दरोगा में हो गया, BPSC जाए कि नहीं। मैं अब मंगरुआ जाओ, कहे कि बहुत सारा बच्चा सब जो इसके पहले भी दरोगा भी बन गया था और BPSC भी क्वालिफाई किया, तो वो भी गए हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत हम खुश हैं। अगर बजरंग बली रहते तो सीना चीर के दिखा देते कि कितना खुश है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तमाम उन बच्चों से
कहूँगा जो बच्चे फेल कर गए हैं कि देखिए पास आ फेल 2770 है, तो जो किसी कारण बस फेल कर गए हों जो भी हो, लेकिन अब यूट्यूबर से बच के शॉर्टकट मटेरियल से बच के मेरे पास आए, मेरे पास पैसा है तो भी आए, नहीं है तो भी आए, एकदम नहीं है तो नौकरी के बाद देंगे, और एकदम नहीं देना चाहते हैं तो पढ़ लें कम से कम, लेकिन शॉर्टकट मेथड से बचें और NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ें और प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ें, जैसा कि मैं कहता हूँ कि स्टैटिक क्वेश्चन है उसमें, लेकिन निराश मत हो, क्योंकि 2346 वैकेंसी में पूजा पूर्व फिर बोल रहा हूँ फिर लोग बोलेगा इसी बोलते हैं, लेकिन जब सामने आता है तो लोग होते हैं 2346 वैकेंसी दरोगा की और 13,000 सिपाही की आ रही है, तो 2346 वैकेंसी आ रही है उसके लिए भिड़ जाएँ, क्योंकि रोने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए भिड़ जाएँ, निश्चित रूप से जो पढ़ता रहा है उसका रिजल्ट हुआ है। फिर से BPSSC ने गुरु रहमान का दिल जीत लिया, क्योंकि नाराजगी तो चलती रहती है। नहीं, BPSSC मेरा दिल नहीं जीता, BPSSC जब तक OMR सीट नहीं देगी, हाँ। जब तक एंसर सीट लागू नहीं करेगी तब तक हमारा दिल जीतने की उसमें क्षमता नहीं है, बच्चों ने मेरा दिल जीत लिया है, ये हमें बहुत खुशी है। तो ये कट ऑफ की बात रही, गुरु रहमान ने जो कहा था वही कट ऑफ आया है, और बच्चों में एक भरोसा जगता है ना कि जब आप कहते हैं वो सुनते हैं, वही विश्वास लेके जाते हैं और रिजल्ट वही आता है। बिल्कुल, तो बच्चों में एक अलग विश्वास इसलिए कि हमारे पास हजारों हजार बच्चे हैं, और जो बेटियां हैं उनको मैं अदम्य दीदी कहता हूं, और जो बेटा है अभिज्ञान अर्जित, और मैं पढ़ाता हूं तब या उनके साथ जो भी काम करता हूं तो जो अपनी अदम्य अदिति और अभिज्ञान अर्जित साथ करता हूं वही फीलिंग मेरी होती है। तो निश्चित रूप से बच्चों में हमारे प्रति भरोसा है, और बच्चे हमको पिता मानते हैं तो मैं उनको बेटा मानता हूँ, बेटी मानता हूँ। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि बच्चों के लिए रक्त का एक एक कतरा बहा दें तो मैं बजरंगबली कसम खा कर रहा हूँ एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन बच्चों कामयाबी के लिए कुछ भी कर दूंगा। आप शायरी के लिए जाने जाते हैं और सफलता प्राप्त बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि गुरु रहमान दो शब्द जरूर। सफल शायरी के लिए नहीं जाने जाते हैं, एक्चुअली में हम कहते हैं जो कुछ बोलते हैं, जैसे हम हमेशा बोल देते हैं कि दीदार की तमन्ना हो गालिब, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखिए, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। तो बच्चों ने जो वर्दी के प्रति नजर गड़ाई उनको कामयाबी मिली। अंदाज सबसे खास आपको बनाती है, तो गुरु रहमान जो मजाक में मस्ती में जो बातें बोल जाते हैं वो अक्सर सच हो जाया करती है, और मेंस के रिजल्ट में तो खासकर यही हुआ है, गुरु रहमान ने जो बताया था वैसा ही रिजल्ट आया है। तो आप कितने खुश हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखिए, दीदार की तमन्ना हो गालिब तो नजरे गड़ाए रखिए, क्योंकि दुपट्टा हो या तकदीर सरकती जरूर है। मैंने बताया था कि 75 से आगे एक ऊपर नहीं जाएगा और 70 से नीचे खसके गए रहे, जबकि बहुत टीचर लोग उछल उछल के बोल रहे थे कि 68 से ज़्यादा चला गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो उनको पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों के करियर की बात है। हजारों हजारों की भीड़, हजारों हजारों का टेस्ट देने वाले बच्चों के साथ इंसाफ हुआ, और मैं फ़ोन उठाते उठाते एकदम पगला सा गया हूं, लेकिन ये पगलाहट में भी ज़बरदस्त खुशी है। कोई कुछ भी बोले, यूट्यूबर्स कुछ भी चिल्लाए, उछले कूदे फाने, लेकिन ये चरितार्थ हो गया है कि वर्दी बोले तो गुरु रहमान, और गुरु रहमान का मोच इसकी शांति है और रहेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत हम खुश हैं। अगर बजरंगबली रहते तो सीना चीर के दिखा देते कि कितना खुश है।